हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे सो uh, so, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ क्लीवेज एंड गेस्ट्रोलेशन ऑल राइट सो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लीवेज क्या होता है क्लीवेज प्रोसेस को हम कैसे आगे देखेंगे ठीक है तो so, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इट इज़ अ सीरीज़ इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ़ रैपिड माइटोटिक डिविज़न ऑफ दिसगोड इन टू अ मल्टी सेलूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लास्टूला क्लीवेज का मतलब क्या है कि जब जाइगोड में रैपिड माइटोटिक डिविजन्स होते हैं ठीक है ये ध्यान में रखना है हमें कि क्लीवेज में क्या होगा माइटोटिक डिविज़न होंगे ऑलवेज जब क्लीवेज की प्रोसेस टेक प्लेस करेगी तो उस पर हमें क्या देखने को मिलेंगे माइटोटिक डिविजन्स देखने को मिलेंगे सो क्लीवेज के प्रोसेस में रैपिड माइटोटिक डिविज़न होते हैं किसमें जाइगोड में ठीक है किस में होंगे जाइगोट में होंगे जाइगोट जो है हमारा सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलेंगे जो लास्ट में हमें क्या रिजल्ट देता है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन uh, होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला ओके okay? अगर हम डाइग्राम वाइज देखें तो ये क्या है हमारा जयगोट है दिस इज जाइगोट ये इसमें क्या होगा ये डिप्लॉयड है टू एन है और ये सिंगल सेल itu? है जाइगोट के बाद हमें क्या फॉर्मेशन हमें क्या देखने को मिलेगा टू सेल स्टेज ठीक है टू सेल स्टेज देखने को मिलती है देन फोर सेल स्टेज हमें देखने को मिलेगी देन एट सेल स्टेज हमें देखने को मिलेगी एट सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं मोर्यूला ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं मॉरोला मोरूला के बाद हमें क्या देखने को मिलता है सिक्सटीन सेल स्टेज इसको हम बोलते हैं ठीक है ब्लास्टूला सिक्सटीन सेल फिर सिक्सटीन सेल के बाद थर्टी टू सेल्स ठीक है ऐसे करके हमें क्या देखने को मिलेगा क्लीवेज देखने को मिलेगा तो ब्लास्टूला फॉर्मेशन के बाद क्या होता है गेस्ट्रोला फॉर्मेशन ये क्या हो गया हमारा गेस्ट्रोला uh, फॉर्मेशन होता है दिस इज गैस्ट्रोला ठीक है ये क्या है गेस्ट्रोला gastula, ये गेस्ट्रोलेशन हो uh, की प्रोसेस हमें क्या मिलता है गैस्ट्रोला फॉर्मेशन होता है हम हमें देखने को मिलता है और ये क्या बना है हमारा ब्लास्टूला बनने के बाद क्या होता है ये जो हमारा ब्लास्टुला बना है इसका जब हम अंदर देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखती है ब्लास्टोसील ब्लास्टोसील यानी कि एक कैविटी दिखती है ठीक है ये क्या है हमारा ब्लास्टोसील का क्रॉस सेक्शन है ब्लास्टूला का क्रॉस सेक्शन है ठीक है ये क्या है क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्लास्टुला अगर हम ब्लास्टुला का सेक्शन कट करेंगे तो हमें उसके क्रॉस सेक्शन में हमें ऐसे दिखाई देगा ब्लास्टोसील दिखाई देगा ठीक है ये क्या है हमारा ब्लास्टूला क्रॉस सेक्शन फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है गेस्ट्रोला गेस्ट्रोला जब बनता है गेस्ट्रोला फॉर्मेशन के बाद हमें क्या रिजल्ट uh, मिलता है हमें थ्री जर्म लेयर किन का फॉर्मेशन होता है जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है और राइट जर्म लेयर कौन कौन सी जर्म लेयर्स हैं पहली है एंडोडम ठीक है एंडोडम का फॉर्मेशन होता है मीजोडम का फॉर्मेशन होता है जो मिडल लेयर होती है एंडोडम मतलब जो सबसे इनसाइड इनर मोस्ट लेयर मीजोडम मिडल लेयर और थर्ड वन इज एक्टोडम यानी कि आउटर लेयर तीन जर्म्स का जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गेस्ट्रोला या फिर गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस के बाद गैस्ट्रुलेशन की जो प्रोसेस का जो रिजल्ट होता है उससे हमें क्या मिलता है थ्री जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है नाउ सी अब जब हम क्लीवेज पढ़ते हैं तो जो योग होता है ठीक है एग में जो योग प्रेजेंट होगा उसके बेसिस पे हम जो एग्स में जो क्लीवेज होता है वो क्या होता है डिफरेंट टाइप का होता है जो क्लीवेज होगा वो योग के अमाउंट के बेसिस पे और योग किस योग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पे हम क्लीवेज के जो डिफरेंट पैटर्न हैं उनको क्या करते हैं पढ़ते हैं ठीक है किस किस के बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग ठीक है डिफरेंट क्लीवेज पैटर्न को हम देखते हैं तो सबसे पहले जो हम क्लीवेज पैटर्न देखते हैं वो होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड मीरो ब्लास्टिक क्वेज यानि कि अगर होलो ब्लास्टिक का मतलब क्या होता है कंप्लीट क्लीवेज अगर योक जो है जो एग में योक प्रेजेंट है अगर उसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी कम होगी योग कंसेंट्रेशन इज लो तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा होलोब्लास्टिक क्लीवेज यानी कि होलोब्लास्टिक और मीरो प्लास्टिक ल्लीवेज का जो टाइप है वो किसके बेसिस पे है अमाउंट ऑफ योग के बेसिस पे है क्या योग का कितना अमाउंट होगा उसके बेसिस पे हम होलोब्लास्टिक और मीरो प्लास्टिक क्लीवेज को पढ़ते हैं होलो क्लीवेज का मतलब होता है कम्प्लीट क्लीवेज होल ठीक है मतलब कंप्लीट जो एग है उसका क्या होगा क्लीवेज होगा कंप्लीट योग जो हमारा योग है उसमें उसका कंसंट्रेशन जो होगा हमारा लो होगा और कंप्लीट एग में जो होगा वो क्लीवेज होगा और मीरो प्लास्टिक क्लीवेज का मतलब होता है इनकम्प्लीट क्लीवेज यानी कि वहाँ पे योग का कंसंट्रेशन क्या है हाई है इसीलिए वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है इनकम्प्लीट क्लीवेज देखने को मिल रहा है ठीक है होलोब्लास्टिक एंड मीरोप्लास्टिक कंप्लीट क्लीवेज और इनकम्प्लीट क्लीवेज होलोब्लास्टिक क्लीवेज में हमें क्या देखने को मिलेगा योग की कंसेंट्रेशन लो देखने को मिलेगी और यहाँ पे क्या होगा कंप्लीट क्लीवेज होगा एग में और मीरो क्लीवेज के केस में हमें क्या देखने को मिलेगा इनकम्प्लीट क्लीवेज यहाँ पे क्या है योग की कंसेंट्रेशन क्या है बहुत हाई है इसीलिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है इनकम्प्लीट क्लीवेज देखने को मिलता है एग में ओके okay? नाउ अब हम देखेंगे होलोब्लास्टिक क्लीवेज के कितने टाइप होते हैं पहले हमने देखा कि क्लीवेज क्या है दो टाइप में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यो ठीक है होलोब्लास्टिक प्लास्टिक कीवेज एंड मीरो प्लास्टिक अब हम देखेंगे जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है वो कितने टाइप का है होलोब्लास्टिक क्लीवेज फिर आइसोलेसिथिल और मीजो में डिवाइडेड है ठीक है आइसोलेसिथिल का मतलब क्या होता है आइसो मीन सेम इक्वली ठीक है जब एग टू इक्वल पार्ट्स में जब हमारा जो एग है उसका क्लीवेज क्या हो जाता है इक्वली वो क्या हो जाता है क्लीव हो जाता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं आइसोलेसिथियल ठीक है यहाँ पे जो डिवीज़न हो रहा है वो क्या हो रहा है इक्वली डिवीज़न हो रहा है ठीक और इसमें ये इसलिए हो पाता है जो एग है वो इसलिए इक्वली क्लीव हो पाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है यॉग जो होता है हमारा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ एग ठीक है ये दिस इज एन एग ये एक एग है और यहाँ पे क्या है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है योग प्रेजेंट है जिसकी वजह से यहाँ पे जो हो रहा है ये जो क्लीवेज हो रहा है ये जो फरो बन रहा है ये आराम से बन पा रहा है ठीक है जो योग है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है ये जो फरो है क्लीवेज फरो आसानी से हमारे एग को क्या कर पा रही है क्लीव कर पा रही है तो आइसोलेसिथियल एग में हमें यही देखने को मिलता है कि जो योग होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और यहाँ पे जो एग का क्लीवेज होता है एग का जो क्लीव होकर जो हमें एग जो रिजल्ट मिलता है हमें वो क्या होता है इक्वल पार्ट्स में क्या होता है उसका डिवीजन होता है सेकेंड टाइप का जो है हमारा मीज़ोलेथियल मीजोलेसिथियल में हमें देखने को मिलता है कि जनरली जो एग होता है एग में योग कहाँ प्रजेंट होता है यहाँ पे एनिमल पोल होता है एक्का और ये क्या होता है वेजिटल पोल तो योग जनरली हमें देखने को मिलता है वेजिटल पोल में प्रेजेंट होता है ठीक है ये मीजोलेसिथिल का केस मैं बता रही हूँ मीजोलेसिथिल के केस में हमें देखने को मिलता है जो योग होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है वेजिटल पोल में एनिमल के एनिमल एक्ट के वेजिटल पोल पर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से क्या होता है जो एनिमल पोल में तो क्या होता है अच्छे से क्लीवेज हो पाता है योग अगर प्रेजेंट कम होगा कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा या नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा क्लीवेज अच्छे से होगा तो यहाँ पर हमें क्या होता है वैसे देखने को मिलता है और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है माइक्रोमेयर्स का फॉर्मेशन होता है किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे माइक्रोमेयर्स का फॉर्मेशन होता है वेजिटल पोल में योग का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है योग का अमाउंट ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होता है डिविजन जो होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं माइ My— देखने को मिलते हैं ठीक है यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं हमें मैक्रोमेज मीजोलेसिथिल और आइसोलेसिथिल में डिफरेंस इतना ही है कि आइसोलेसिथियल में हमें क्या देखने को मिलेगा योग जो होगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा जिसकी वजह से एग क्या होगा इक्वली क्या होगा डिवाइड होगा बट इन केस ऑफ मीजोलेसिथिल हमें क्या देखने को मिलेगा जो योग है वो क्या है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है वो एनिमल पोल पर योग प्रेजेंट नहीं होगा वेजिटल पोल पर क्या होगा योग क्या होगा प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से क्या होगा एनिमल पोल में तो डिवीजन आसानी से होगा क्योंकि यहाँ पे योग का कंसेंट्रेशन कम है जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेंगे माइक्रोमेयर्स का फॉर्मेशन होगा और वेजिटेबल पोल पे हमें देखने को मिलेगा कि योग का कंसेंट्रेशन ज्यादा है जिसकी वजह से क्या होता है वहां पर माइक्रोमेयर्स का फॉर्मेशन होता है ठीक है अब हम देखेंगे मीरो क्लीवेज के बारे में ठीक है अभी तक हमने किसके बारे में देखा था अभी तक हमने देखा था होलोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में और अब हम देखेंगे मीरो क्लीवेज के बारे में ठीक है तो मीरो क्लीवेज क्या होता है टू टाइप्स का होता है टीलो लेसिथियल एंड सेंट्रोलेसिथियल अब टीलो लेथियल और सेंट्रोलेसिथियल में आने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मीरो क्लीवेज क्या होता है ठीक है वेन सेगमेंटेशन टेक्स प्लेस ओनली इन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एग ऑल राइट जब सेगमेंटेशन टेक प्लेस करेगा कहाँ पे एग के स्मॉल पोर्शन पे ही जब सेगमेंटेशन होगा यानी कि जो क्लीवेज होगा वो सिर्फ एग के कुछ पार्ट में ही क्लीवेज होगा कंप्लीट क्लीवेज हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा उसी को हमने क्या बोला मीरो ब्लास्टिक क्लीवेज यानी कि इनकम्प्लीट क्लीवेज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा सो इनकम्प्लीट क्लीवेज में हमें क्या देखने को मिलता है जो आ, हमारा एग होता है वो कम्प्लीटली क्लीव नहीं होता है ठीक है इतना तो हमें क्लियर हो गया ना मीरो प्लास्टिक लीवेज क्या होता है होलो प्लास्टिक लीवेज क्या होता है देन मीरो प्लास्टिक क्लीवेज में भी दो टाइप के क्लीवेज आते हैं जिसको हम बोलते हैं टीलो लेसिथियल और सेकेंड वन को हम बोलते हैं सेंट्रोलेसिटियल अब देखते हैं कि टीलो लेसिथियल में क्या होता है ठीक है टीलो क्लीवेज में देखो हमें क्या हमें देखने को मिलता है जो ये हमारा एग है ठीक है टीलो क्लीवेज हमें चिक के केस में देखने को मिलता है हैन के केस में ठीक है तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है एग का जो साइटोप्लाज्म होता है वो किसी टर्मिनल पोजीशन पे एक सिचुएटेड होता है ठीक है टर्मिनल पोल्स पे क्या होता है सिचुएटेड होता है ठीक है टीलो के केस में जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है टर्मिनल पोजिशन पर सिचुएटेड होता है बट जो योग होता है योग क्या होता है वो पूरे एग में क्या होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ठीक है एग क्या होगा पूरे योग में क्या होगा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है चिक के केस में हमें ये देखने को मिलता है टीलो लेसिथियल एग इसमें क्या होता है साइटोप्लाज्मिक टर्मिनल पोजीशन पे इधर इन वेजिटल पोल और एनिमल पोल पे सिचुएटेड होगा और पूरा एग किससे भरा होगा योग से भरा होगा हो ठीक है योग से अब हम देखते हैं अगर सेंट्रोलिसिथियल एग सेंट्रोलिसथियल में हमें क्या देखने को मिलता है सेंट्रोलिस्थियल का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं सुपरफीशियल ठीक है यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं सुपरफीशियल डिवीजन या फिर सुपरफीशियल एग ठीक है इसमें क्या होता है ये हमें इंसेक्ट्स के केस में हमें ये देखने को मिलता है किसके केस में हमें देखने को मिलता है इंसेक्ट्स आर्थपोर्ट्स के जो मेंबर होते हैं इंसेक्ट्स में ड्रोसोफिला में हमें ये देखने को मिलता है इसमें क्या होता है जो एग होता है एग में जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है ठीक है डिवीजन किसका होता है जो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये क्या है हमारा न्यूक्लियस है ठीक है दिस इज द न्यूक्लियस ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसका क्या होता है रैपिडली डिवीजन होता है और वो न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में ठीक है न्यूक्लियस क्या है एक से दो बने दो से चार बने और फिर ये क्या होता है न्यूक्लियस कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहता है और साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं होता है न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है साइटोप्लाज्म का नहीं होता है तो इसलिए ये क्या होता है एक सुपरफिशियल डिवीज़न हम इसको बोलते हैं कि साइटोप्लाज्म तो डिवाइड नहीं हो रहा है बट न्यूक्लियस ही कंटिन्यूस क्या होता जा रहा है डिवाइड होते जा रहा है तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है सेंट्रोलिसथियल के, के केस में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं जहाँ पर न्यूक्लियस क्या है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्रेजेंट रहते हैं एक ही साइटोप्लाज्म में तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनकाइटियम क्या बोलते हैं इसको हम सिनकाइटियम ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग नोट की, कर लीजिएगा कि सिंकाइटियम कौन से किस टाइप के एग में हमें देखने को मिलता है सेंट्रोल एग और जहां पे क्या होता है सुपरफिशियल डिवीजन होता है यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस ही यहां पे डिवाइड हो रहे हैं साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है ठीक है तो ये था हमारा होलोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में हमने पढ़ लिया एंड मीरू प्लास्टिक क्लीवेज के बारे में भी पढ़ लिया उसके एंड uh, उसके टाइप्स के बारे में भी पढ़ लिया ठीक है तो सो so, एक बार हम ओवरऑल देख लेते हैं क्लीवेज क्या है ठीक है उसके डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं तो सबसे पहले क्लीवेज क्लीवेज हमें पता है क्या होता है ठीक है माइटोटिक डिवीजन होता है रैपिडली माइटोटिक डिवीजन होते हैं जाइगोट में ताकि उसको क्या किस में कन्वर्ट कर सके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सके दैट इज ब्लास्टुला में कन्वर्ट कर सके देन क्लीवेज को हम ब्रॉडली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं होलोग्लास्टिक क्लीवेज एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज ठीक है कंप्लीट क्लीवेज और इनकम्प्लीट क्लीवेज ठीक है जो कंप्लीट क्लीवेज है दैट इज होलोब्लास्टिक फिर वो टू टाइप में डिवाइडेड है आइसोलेसिथियल एंड मीजोलेसिथियल ठीक है आइसोलेसिथियल में क्या होता है वो मैंने आप लोगों को पहले बता चुका है मीजोलेसिथियल में क्या होता है वो भी आप लोगों को पता पता है तो आइसोलेसिथियल में क्या होता है आइसोलेसिथियल तो, कहाँ हमें देखने को मिलता है एग्जाम्पल्स जो हैं उसके मैमल्स निमेटोड्स ट्यूनिकेट्स इकाइनोडम्स ऑल right, ये क्या है होलोब्लास्टिक के होलोब्लास्टिक uh, में जो आइसोलेसिथिल क्लीवेज होता उसके है उसके एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट हमने जो देखा था मीजो लेसिथिल हमें कहाँ देखने को मिलता है एम्फीबियंस के केस में हमें देखने को मिलता है दैट इज फ्रॉक के केस में हम ये पढ़ेंगे मीरो क्लीवेज दैट इज इनकम्पलीट क्लीवेज वो हमें कहाँ देखने को मिल उसमें उसके कितने फिर फर्दर टाइप्स हैं एंड सेंट्रोलेसिथिल टीलो लेसिथिल क्या है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ सेंट्रोलेसिथिल क्या है वो भी आपको पता है ठीक है टीलो हमें किसके केस में देखने को मिलता है रेप्टाइल्स के केस में देखने को मिलता है हमें फ़िशेस के केस में बर्ड्स और मॉलिस्कस के केस में हमें देखने को मिलता है टीलो ठीक है और सेंट्रोलेसिथिल मोस्ट इंसेक्ट्स के केस में ठीक है और सेंट्रोलेसिथल में हमें एक स्पेशल कंडीशन देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं सिनकाइटियम वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आप याद रखिएगा और इस सिनकाइटियम किसका रिज़ल्ट होता है सुपरफिशियल डिवीजन का रिज़ल्ट होता है ठीक है तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बेसिक्स पढ़ा क्लीवेज के बारे में आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अगर समझ में आया आया है थोड़ा सा भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो